यू शुड नो दैट कि हम लोग का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ दिस इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, इज दी वर्ल्ड लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड, ठीक है, जितना इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड किया है, ठीक है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया. ओके, सो अ गुड न्यूज टू बी प्राउड ऑफ. ओके, इतना ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है, नथिंग एल्स, कोई बहुत ज्यादा इसमें नॉलेज नहीं चाहिए अलग से. ओके, इंडियन शो डेमोक्रेटिक लीडरशिप होस्टेड इंडियाज फर्स्ट मॉडल G20 समिट इन विच स्टेट. ओके, देखो G20 बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो तुमको पहले पता हो इसका आंसर महाराष्ट्र है. इंडिया का फर्स्ट मॉडल G20 समिट महाराष्ट्र में हुआ था. देखो बेसिकली G20 का एम क्या है, तो G20 ना एक G20 जो है ये 20 कंट्रीज का ग्रुप है. ओके, सो 20 बिग इकोनॉमी जो बड़े बड़े कंट्रीज है सारे वर्ल्ड के, ठीक है, सारी कंट्रीज में चाइना, इंडिया, यूएसए, सब कुछ इसमें, बहुत सारी कंट्रीज है इसमें. तो ये 20 कंट्रीज का बेसिकली ये ग्रुप है, जो ये इनका काम क्या होता है, ठीक है, तो जैसे हर एक कंट्री में ना इनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है. जैसे इंडिया में इनका रिप्रेजेंटेटिव है अमिताभ कांत, ठीक है, तो अमिताभ कांत इनका रिप्रेजेंटेटिव है, इनको शेरपा बोलते हैं, इट्स कॉल्ड शेरपा. ओके, तो G20 में इंडिया के शेरपा है, दैट इज इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, अमिताभ कांत है. तो इनका बेसिकली ये ना हर एक इस माइक्रो लेवल पे, हाँ अब ना यहाँ पे माइक्रो 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 लेवल पे यहाँ पे इस लेवल को इसको अप्लाई करना है. तो माइक्रो लेवल पे अप्लाई करने का बेसिकली मतलब क्या है, व्हाट इनका एम क्या है, इनका एम है दे वांट टू बिकम बिगर गुड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. मतलब वर्ल्ड में अगर कभी रिसेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है, उस पे लोग काम करते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए, पैसा को सही से रखे, हर कंट्री सही से यूज करे, क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो बेसिकली हर इम्पोर्टेंट चीज पे काम कर रहे हैं. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू मेक अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस एक्चुअली, ठीक है, तो वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना रहने के लिए ये इनका काम है एक्चुअली में, ये काम कर रहे हैं. ओके, सो इसलिए G20 समिट अभी खासकर अभी तो बहुत ज्यादा ही पुश किया हुआ है, ठीक है, पहले इतना लार्ज लेवल पे नहीं था, नाउ हर एक कंट्री में अपना बना दिया रिप्रेजेंटेटिव, हर एक को अपना अपना काम करना है, हर एक को टास्क असाइन कर दिया है, ठीक है, so now they are very aggressively working towards this. okay, G20 summit abhi the year ke end mein hoga na, wo to abhi chalte rehta hai, ye to model summit hai, ye har ek state mein hote rahega, theek hai, abhi to wo year ke end mein aayega. G20 summit kahan hona, wo india mein to hota rahega, jaisa bhi maharashtra mein model summit hua hai, theek hai, fir kisi aur state mein kuch aur tarike se hoga, so that is like other rahega wo. okay, तो ये काम किसका, ये काम है G20 ग्रुप का, इज द वर्क ऑफ G20 ग्रुप. ओके ओके, व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री इज द टॉप बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम MSME सेलर्स इन 2022. तो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से बाई किया है गुड्स, इसका आंसर बताओ. देखो यहाँ पे तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर, चलो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आंसर है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सबसे ज्यादा MSME सेलर से इनको ये गुड्स एंड सर्विसेज लोग बाई कर रहे हैं, ठीक है, तुमको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जैसे
इंडियन नेवी है, तो इंडियन नेवी जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन नेवी एक इन्होंने क्या किया है, एक ये स्प्रिंट चैलेंज चला रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस स्प्रिंट चैलेंज हियर, ये स्प्रिंट चैलेंज क्या होता है? तो इन्होंने एक स्प्रिंट चैलेंज इनका इनिशिएटिव है, जहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग फटाफट सामान खरीदेंगे लोकल टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस मींस मेड इन इंडिया, ठीक है, लोकल हमारा। तो जो भी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स हो रहे हैं एमएसएमई से, लोग उसके अंदर से लोग अपना सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। सो इन्होंने क्या चलाया, सो इंडियन नेवी ने क्या चलाया, ये स्प्रिंट चैलेंज चलाया हुआ है अपना, कि हमें सामान इंडिया से, जो मेड इन इंडिया गुड्स है, इनको प्रमोट करना है और इधर में सामान खरीदना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो भी एक कंपनी है जो डिफेंस की स्टार्टअप है, इट्स देयर नेम इज सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अभी सागर डिफेंस इंजीनियरिंग एक कंपनी है, इन्होंने इससे बाई किया है गुड्स, राइट, एंड दे हैव बॉट लॉट ऑफ बोट्स फ्रॉम सागर डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी, ठीक है। इंडियन नेवी ने बोट्स बाई किया है। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे जो कि इस तरीके से काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रमोशन मिल रहा है, ओके, एमएसएमई सेक्टर को। हमारे एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है? तो माइक्रो स्केल सॉरी माई एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? दैट इज नारायण राणे, ठीक है। तो नारायण, ये भी देखो बताया, बहुत बार पूछ क्वेश्चन पूछा है इंटरव्यू में, ठीक है, इंटरव्यू में बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। इस बार अभी जो करंट इंटरव्यू चला जीडीपीआई वाला, हु इज आवर एमएसएमई मिनिस्टर, क्या काम कर रहे हैं एमएसएमई मिनिस्टर, ओके, अच्छा काम कर रहे हैं, लाइक ट्राइंग टू पुश एमएसएमई सेक्टर अलॉट, ओके। देखो अब बोलोगे एमएसएमई होता क्या है, तो एमएसएमई बेसिकली क्या होता है, इट्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। अब माइक्रो का यहाँ पे डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज माइक्रो इंटरप्राइजेस? तो माइक्रो इंटरप्राइजेस बेसिकली क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आपका प्लांट में, फैक्ट्री में, ठीक है, सब मिला के इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस देन 1 करोड़, ठीक है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ है, हाँ, और आपका जो एनुअल टर्नओवर है, जो आप पैसा कमा रहे हो पूरे साल का, जो आपका एनुअल टर्नओवर है, ठीक है, और वो अगर लेस देन 5 करोड़ से, तो आप आते हो माइक्रो इंटरप्राइजेस में, ओके, आपको माइक्रो किया जाता है। इसके बाद आता है आपका स्मॉल इंटरप्राइजेस। स्मॉल इंटरप्राइजेस क्या होता है? तो स्मॉल इंटरप्राइजेस इज अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है, हाँ, वो लेस देन 10 करोड़ से, और आपका जो एनुअल टर्नओवर है, हाँ, दैट इज लेस देन 50 करोड़, तो हम बोलते हैं ये क्या है, स्मॉल इंटरप्राइजेस है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है मीडियम इंटरप्राइजेस, ओके। व्हाट इज मीडियम इंटरप्राइजेस? मैं बोलूंगा जब इनका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका अगर लेस देन 50 करोड़ से, ठीक है, और आपका जो एनुअल टर्नओवर है ये आपका लेस देन 250 CR है, तो ये क्या होता है, दिस इज द मीडियम इंटरप्राइज, ठीक है। इसी का पूरा नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, इसी को बोलते हैं, इसी सेक्टर को, क्योंकि तो गवर्नमेंट इसको बहुत ज्यादा पुश कर रही है आजकल, ओके। ऑल ऑफ गॉड दिस, ठीक है। इसमें एक और अभी भी काफी अभी अच्छा काफी न्यूज में था, ओके। हाँ, बजट में सबसे ज्यादा फोकस डिफेंस सेक्टर भी कर रहे हैं और मेक इन इंडिया को भी कर रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट अभी बहुत अच्छा इनका इनिशिएटिव था, इनका इनिशिएटिव था नारायण राणे का, ठीक है। सो इनिशिएटिव था एक नारायण राणे, जो हमारे एमएसएमई मिनिस्टर है, ठीक है, और पी विजयन का, पिनरई विजयन। पिनरई विजयन कौन है? केरला के सीएम है, ठीक है, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। इन्होंने आपस में एक मिल के बनाया था लास्ट ईयर, ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस, ठीक है, ये भी काफी सक्सेसफुल रहा। मतलब ये लोग क्या कर रहे थे कि ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस में ये लोग का एम था कि 2022-2023 में हमें 1 ईयर में 1 लाख इंटरप्राइजेस ओपन करना है, ठीक है। तो 1 ईयर में 1 लाख इंटरप्राइज ओपन करना है, ठीक है, मतलब 1 लाख कंपनीज ओपन करनी है एमएसएमई सेक्टर्स में, ओके। और ये 1 लाख इंटरप्राइज ओपन करना है, तो ये इनका 1 ईयर का टारगेट था, इन्होंने केरला का टारगेट था ये, ठीक है, इन्होंने ये 8 मंथ्स में ही अचीव कर लिया, ठीक है, दे अचीव्ड इन 8 मंथ्स ओनली, एंड इन्होंने इसके लिए बहुत काम किया, दे लाइक जो आपका ईज ऑफ बिजनेस होता है ना, इनको काफी इन्होंने अच्छा बना दिया ईज ऑफ बिजनेस को, दे मेड अ वेरी काइंड ऑफ बहुत सारे रूल्स उन्होंने हटा दिए, ठीक है, और बहुत इजीली कंपनी खोल सकते थे 5 से 6 दिन में,
and we could have started up, we could have done. Okay, so a lot of encouragement is given to entrepreneurship and open, come make in India sector. Okay, so ये तुम्हारा ये भी important है, exam में भी आ सकता है, आपको बता देना चाहिए. गुड मॉर्निंग यार, ठीक है, ऑल ऑफ यू गॉट दिस, आगे बढ़ते हैं. थैंक यू यार. ओके, नाउ बाइडू विच वाज सीन इन द न्यूज इज द इंटरनेट सर्च बेस्ड मेजर बेस्ड इन विच कंट्री. ओके, तो पढ़ेंगे बायदू, बहुत बार बहुत न्यूज में आता है बायदू. कर्नाटक का रैंक वन है, कर्नाटक नहीं गुजरात है रैंक वन, इंडिया में सिर्फ गुजरात इज एट रैंक वन. गुजरात जो है ये रैंक वन है ईज ऑफ बिजनेस में, सबसे मतलब इजीली यहाँ पे आप बिजनेस ओपन कर सकते हो, ठीक है, गुजरात में. ओके, रैंक टू आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक आंध्र प्रदेश है, चेक कर लें एक बार. गुजरात इज रैंक वन, आई थिंक आंध्र इज रैंक टू, ये चेक कर लें, मेरे को नहीं पता, रैंक वन ही आ गया मेरे को गुजरात है. ओके, खैर ये देखो ये क्या था, तो बेसिकली अब बायदू बोलोगे न्यूज में क्यों है, है ना. तो बायदू बेसिकली क्या है, एक इंटरनेट सर्च मेजर है, जैसे गूगल है ना, गूगल का ही कॉम्पिटिटर है बायदू. ओके, तो ये चाइना में है एक्चुअली. ओके, तो अब बोलोगे अभी ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि बायदू भी अपना जैसे हम लोग का है ना चैट जीपीटी, तो जो चैट जीपीटी आपको पता है कि चैट जीपीटी ओपन एआई है, ओपन एआई का सॉफ्टवेयर है ना, विच आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस इन अ वेरी रिफाइंड वे. ओके, तो चैट जीपीटी के ही कॉम्पिटिशन में अपना ये बना रहे हैं, सो दे आर मेकिंग कॉम्पिटिटर में, लाइक इनका ये ऑल्टरनेटिव बना रहे हैं या इनके कॉम्पिटिटर बना रहे हैं, ठीक है, सो दे आर मेकिंग देयर कॉम्पिटिटर, ठीक है, गूगल का बार्ड है. तो चाइना का जो, चाइना में जो बायदू है, बायदू अपना चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर बना रहा है. ओके, आई थिंक नेम उसका शायद नहीं पता, अभी नेम इन्होंने नहीं दिया, ठीक है, नहीं नेम नहीं दिया, जस्ट दे आर मेकिंग लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट बनाएंगे ये लोग, AI बोर्ड, AI बेस्ड होगा, ठीक है, नाम नहीं दिया है. तो दे आर स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस, इसलिए अभी काफी न्यूज में था कि बायदू इज ट्राइंग इज वर्किंग ऑन दैट. ओके, तो ध्यान रखना ये चीज. ओके फाइन, सर को पता है ना चैट जीपीटी, पता है ना, तो कोई यूज करते हो क्या तुम लोग, व्हाट इज चैट जीपीटी, क्या है चैट जीपीटी, यूज क्या, यूज में क्या है, काफी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं इंटरव्यू में, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं इंटरव्यू में, पूछे हैं चैट जीपीटी, काफी इंटरेस्टिंग है, पूछे हैं एमबीए कॉलेज में चैट जीपीटी क्या है, चैट अभी जो जीडी पे इंटरव्यू चल रहा है उसमें चैट जीपीटी से क्या क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा. ओके, नॉर्मल तुम्हारा बोर्ड का है. वाह एमबीए भाई, एचआरएम क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, जहां से कुछ हेल्प अगर मिले बिल्कुल कर सकते हैं. चलो, विच इंडिया स्टेट जो लॉन्च दी लाडली बहना स्कीम. ओके, ये किसने लॉन्च किया है, ठीक पता है तुम लोगों को, नहीं पता होगा तुमको. तो लाडली बहना स्कीम इज लॉन्च बाय मध्य प्रदेश, ठीक है, जहाँ पे ये फिनेंशियली पुअर वुमेन जो होंगी स्टेट की, जो भी फिनेंशियली पुअर वुमेन है स्टेट की, ठीक है, इनको ये रुपीज 1000 पर मंथ देंगे, ठीक है, 1000 पर मंथ टू ऑल दी पुअर वुमेन इन द स्टेट, इट इज लाडली बहना स्कीम एमपी में, ठीक है. एमपी के चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान.
ओपन एआई का, चैट जीपीटी ओपन एआई का, माइक्रोसॉफ्ट का उसमें पैसा लगा हुआ है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इन्वेस्टेड इन ओपन एआई, बट ओपन एआई का है, ओके, चैट जीपीटी ओपन एआई, चैट जी फ्री में देंगे, हाँ यार, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियली पुअर वुमेन को फ्री में ही देंगे ना, फाइनेंशियली पुअर वुमेन के लिए, ठीक है। तो एमपी से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एमपी में क्या क्या और इम्पोर्टेंट चल रहा था, ठीक है। एमपी का कैपिटल है भोपाल, ये इंपॉर्टेंट है एमपी में, मतलब आता है क्वेश्चन, बताएंगे तुम लोग को। सेकेंड चीज है कि यहाँ पे इंदौर में एमपी का ग्लोबल समिट हुआ था, है ना, सो एमपी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था इंदौर में, ठीक है। तो ये तो दो तीन चीज ध्यान रखना। यहाँ पे अभी जस्ट नया नया एक दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है, तो वन दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज मेड इन एमपी, ठीक है। हाई कोर्ट पूछा था मतलब, क्या हाई कोर्ट पूछा था? तो है हाई कोर्ट तो आपके स्टेट कैपिटल में होता है ना, तो भोपाल में होगा ना? अच्छा नहीं है, कहाँ पे, इंदौर में है क्या? मतलब नॉर्मली स्टेट कैपिटल्स में होता है, जबलपुर में, भोपाल में हाई कोर्ट नहीं है? ओके ओके, तो नहीं पता मेरे को ये सिस, ठीक है, अच्छा नहीं ध्यान, नहीं पता, नॉर्मली स्टेट्स के कैपिटल में होता है, ओके okay. मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में, चलो ठीक है, ये भी याद लिख लेंगे हम लोग, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट इज इन जबलपुर। कहाँ पूछे थे क्वेश्चन ये? कहाँ पर क्वेश्चन? अरे पूछा कहाँ, कुछ मुझसे किस एग्जाम में पूछा था ये पूछ रहा हूँ, मैंने भी चेक किया, ठीक है, ये अच्छा है, लोगों ने ये दिया, मुझे भी नहीं ध्यान था। तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में, तो आप पक्का एमपी से होंगे इसलिए पूछे होंगे, है ना, ठीक है, ग्लिम में, ओके चलो, इसके लिए तो ध्यान रख लेंगे हम, ओके ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयन उत्सव 2023 is organized every year in which state UT? है ना, आप MP से हो इसलिए पूछे, अपने आपके स्टेट का पूछा होगा, ओके। उदयन उत्सव 2023 is organized every year in which state UT? एक किस स्टेट में होता है? दिस इज आंसर न्यू दिल्ली, ठीक है, बहुत फेमस इवेंट है ये, तो जो उद्यान उत्सव है ये पब्लिक के लिए साल में एक बार ओपन किया जाता है राष्ट्रपति भवन में, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, यस, तो राष्ट्रपति भवन में बहुत आइकॉनिक मुगल गार्डन्स है, ठीक है, ये पब्लिक को ये एक बार ओपन किया जाता है, एंड दिस इज इसको बोलते हैं उद्यान उत्सव, ओके 2023। तो अभी 2022 में इसका नाम भी चेंज कर दिया गया था, इसका नाम कर दिया गया था अमृत उद्यान, ठीक है, तो अमृत उद्यान इसका नाम कर दिया गया था 2020 में लास्ट ईयर, ओके चेंज करके, तो उसको वो अमृत उद्यान बोलते हैं, और हर साल एक बार ओपन किया जाता पब्लिक के लिए, ठीक है, और उसको बोलते हैं उद्यान उत्सव 2023, ओके। 2022
प्रेसिडेंट कौन है हमारी? हाँ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ओके फाइन। टू इंडियन एयरफोर्स फाइटर प्लेन्स क्रैश रिसेंटली इन पहाड़गढ़ एरिया ऑफ विच स्टेट? ठीक है, द सैड इवेंट। तभी रिसेंटली इवेंट हुआ था फरवरी में, ठीक है, सैड इवेंट। इसका आंसर है मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के पहाड़गढ़ एरिया में दो एयरफोर्स फ्लाइट का क्रैश हो गए थे। ओके ओके, इंक्वायरी चल रही है। CMAT 24 की प्रॉपर क्लास, पता है प्रॉपर क्लास क्या होता है? पहले प्रॉपर क्लास ऐसे प्रैक्टिस सेशन होते रहता है सीमेंट के, वापस पूरा पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे धीरे धीरे। बैचेस चल रहे हैं, बैचेस चल रहे होंगे, बैचेस स्टार्ट होंगे अकेडमी में। नेशनल एंटी लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन विच मंथ? ठीक है, नेशनल एंटी लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन विच मंथ? तो ये जो नेशनल लेप्रोसी डे है ये जनवरी में होता है, टू बी एग्जैक्ट इंडिया में 30 जनवरी को होता है। ठीक है, सो 30 जनवरी को इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है ये नेशनल एंटी लेप्रोसी डे। ठीक है, और वर्ल्ड में कब होता है? वर्ल्ड में होता है ये लास्ट संडे को, लास्ट संडे ऑफ जनवरी। ये दो डिफरेंट इवेंट्स है। ठीक है, तो वर्ल्ड में जो एंटी लेप्रोसी डे होता है वो होता है लास्ट संडे ऑफ जनवरी। इंडिया में क्या होता है? एग्जैक्टली 30 जनवरी, दैट इज ऑन द डे ऑफ मार्टिस डे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 30 जनवरी इज ऑल्सो कॉल्ड मार्टिस डे। ठीक है, और इसको शहीद दिवस, इस दिन महात्मा गांधी का इस दिन असैसिनेशन हुआ था। ओके, तो इसको शहीद दिवस भी बोलते हैं। लेप्रोसी क्या होती है? ऑल ऑफ यू नो लेप्रोसी क्या होती है? व्हाट इज लाइक मतलब एंटी, ये जो हम लोग सही ये करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होती है? बैक्टीरिया से डिजीज होती है, बैक्टीरिया से डिजीज होती है ये। ठीक है, जिसमें जनरली ओल्ड एज डिजीज है और जिसमें नर्व्स वगैरह इंसान का अफेक्ट हो जाता है। ओके, तो हाँ डिजीज तो है ही, तो इंसान का नर्व्स वगैरह अफेक्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज एंटी लेप्रोसी डे। ओके, इस वाले लेप्रोसी बोलते हैं इसको, इसके लिए एक एंटी लेप्रोसी डे ऑब्जर्व किया जाता है। मैं तो दो तीन चीज और बताया यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो जनवरी में और भी डेट इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ। एक 15 जनवरी होता है, तो 15 जनवरी इज इंडियन आर्मी डे, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, इंडियन आर्मी डे होता है। 12 जन में बताइए, 12 जन क्या होता है? नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे। ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे इज ऑन 12th अगस्त, ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में। ट्वेल्थ जन को स्वामी विवेकानंद का बर्थडे भी था। ये सब डे कुछ कुछ आते हैं। 26 जन तो रिपब्लिक डे तो है ही, साथ में ये इंटरनेशनल कस्टम डे भी होता है। 26 जन इज रिपब्लिक डे एज वेल एज इंटरनेशनल कस्टम डे। कस्टम डे क्या होता है? बेसिकली जो कस्टम डे, जो कस्टम ऑफिसर लाइफ में चैलेंजिंग होता है, उसी चीज को हाईलाइट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 26 जनवरी। ओके, सो कुछ कुछ डे ध्यान जनवरी में इज इम्पोर्टेंट है। चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी हैज साइंड MOU, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू मेक रॉल्स रॉयस मरीन इंजन्स? ठीक है, कौन कंपनी बनाएगी रॉल्स रॉयस मरीन इंजन्स?
देखो ये भी यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। ओके जो जीआरएसी है दैट इज गार्डन गार्डन, इसका आंसर जीआरएसी है, गार्डन रिच शिपमेंट इंजीनियरिंग। ठीक है, इंडिया का बहुत मेजर शिपयार्ड है, इट इज बेसिकली बेस्ड इन कोलकाता। ठीक है, तो ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है, राइट। तो इसको इन्होंने बनाया है, एमओयू लिया है किसके साथ? ठीक है, इन्होंने लिया है एमओयू रॉल्स रॉयल्स के साथ। ओके, सो रॉल्स रॉयल्स के साथ ये मिलके मरीन इंजन्स बनाएंगे। ओके, ऑल्सो यहाँ पे भी एक और चीज भी इसमें न्यूज में था, काफी क्वेश्चन में था, कि एक आईटी खड़गपुर ने एक बनाया है सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इसका नाम है आई वेल्ड सॉफ्टवेयर, आई वेल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट आई वेल्ड इज फॉर लाइक वेल्डिंग। ये दोबारा क्या है, वेल्डिंग का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इस बेसिकली क्या होता है कि इसमें ना रेडियोग्राफी इमेजेस से, रेडियोग्राफी से शिप का इमेजेस लिया जाएगा और इनका वेल्डिंग चेक किया जाएगा कि इतना बड़ा शिप है ये, सारे इतने सारे इंटरनल पार्ट्स पे सारे अच्छे से वेल्डिंग हुई है कि नहीं हुई है। ओके, सो ऑल वेल्डिंग्स आर बेसिकली डन और नॉट डन, और कोई इशू तो नहीं है, सेफ्टी स्टैंडर्ड से काफी अच्छा है। तो ये इसका नाम है आई वेल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, मेड बाय आईटी खड़गपुर एंड इन्होंने जीआरएसई कंपनी को ही दिया है, दैट इज गार्डन रिच शिपमेंट इंजीनियर को ही इन्होंने हैंड ओवर किया। ठीक है, तो ये दो कारण से ये न्यूज में है, गार्डन रिच शिपमेंट इंजीनियरिंग, एक ये आई वेल्ड सॉफ्टवेयर और सेकेंड इज रॉल्स रॉयल्स मरीन इंजन बनाएंगे, तो ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, ये कोलकाता बेस्ड एक मेजर शिपमेंट शिपमेंट यार्ड है इंडिया का। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, Which state UT announced to introduce 1500 e scooters at 250 locations in next 1 year? ठीक है, किसने क्या बोला है? बोले इसका आंसर है न्यू दिल्ली, BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली ने क्या कहा है कि हम अगले 1 साल में 1500 ई स्कूटर्स रखेंगे एट 250 डिफरेंट लोकेशंस इन दिल्ली। तो दिल्ली में यहाँ पे 250 स्पॉट बनाए जाएंगे। ठीक है, और द्वारका से लेके मतलब बेसिकली नोएडा तक। ओके, नोएडा के जस्ट पे जहाँ दिल्ली का बाउंड्री है, दिल्ली का बाउंड्री कहाँ पे, यमुना नदी है ना, वहीं पे यमुना यमुना के एंड तक। ठीक है, वहां पूरा एरिया कवर करेंगे और मेट्रो तक रन करेगा ये 1500 ई स्कूटर्स। बाइक टैक्सेस बड़ा भी लोग बना रहे हैं, लेकिन ई स्कूटर्स ला रहे हैं लोग। ठीक है, तो हर एक स्पॉट से लेके आप मेट्रो स्टेशन तक लेके जा सकते हो। ठीक है, एट सम वेरी मिनिमल कॉस्ट। फाइन, विच कंपनी हैज स्टार्टेड एक्सपोर्ट्स ऑफ एविएशन गैसोलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? ये हम लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज है, ये हम लोग के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है ये। ओके, कि फर्स्ट टाइम इंडिया अब एविएशन गैसोलाइन को एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया इज एक्सपोर्टिंग, क्योंकि हमेशा हम लोग इम्पोर्ट ही सब कुछ करते रहते हैं। ठीक है, बट नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग दिस एविएशन गैसोलाइन। ओके, और हम फर्स्ट टाइम इसको किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, द कंट्री कॉल्ड पपुआ न्यू गाइनिया। ठीक है, सो पपुआ न्यू गाइनिया इज अ स्मॉल कंट्री, इज अ आइलैंड। ओके, तो इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं एविएशन गैसोलाइन, मतलब एवी गैस
100 LL नाम है इसका, और ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से, ओके, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, तो JWNPT से इसको फर्स्ट टाइम यहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ओके, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, ये कहाँ लोकेटेड है, मुंबई में लोकेटेड है, तो मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, वहां से एक्सपोर्ट किया जाएगा पपुआ न्यू गाइनिया को, ओके, सो इट्स अ मेजर अचीवमेंट, एक्सपोर्टिंग ऑफ एविएशन गैसोलाइन, ओके। Which country is facing a deadly flood emergency as of जन अभी, मतलब जस्ट एग्जाम में तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, ठीक है, बट एक आइडिया तुमको होना चाहिए, इसका आंसर न्यूजीलैंड है, ठीक है, तुमको बताना चाहिए, न्यूजीलैंड में एक बहुत मेजर फ्लड इमरजेंसी आया है, बहुत हैवी रेनफॉल हुआ है वहां पे, ठीक है, और वहां के जो कंट्री जो से वहां के जो स्टेट्स हैं, बहुत वहां पे हाई रेनफॉल वेट डे इन लाइक लास्ट 30-40 ईयर्स में इतना वेट डे नहीं आया था, ठीक है, ऐसे लोग अचीव कर रहे हैं, तो बहुत ही न्यूजीलैंड इज फेसिंग अ ह्यूज डेडली फ्लड इमरजेंसी, ठीक है, पता है एग्जाम में तो आई डोंट थिंक इट्स इंपॉर्टेंट है, बट जस्ट पता होना चाहिए अपने लिए, ओके। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट पर्सन इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द माइनिंग PSU NMDC, ठीक है, कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इसका आंसर निखत जरीन है, ओके, तो आपको पता है कि पहले निखत जरीन इज अ बॉक्सिंग प्लेयर, ये बॉक्सिंग प्लेयर है, ओके, और NMDC क्या है, दैट इज नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो ये आपका NMDC है, हाँ, तो बेसिकली ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इट्स अ कंपनी विच इज बेस्ड इन हैदराबाद, ओके, PSU है, इट्स अ पब्लिक सेक्टर यूनिट, ओके, तो इन्होंने निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, निखत जरीन कौन है, बिर्मिंघम में 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, ठीक है, उसमें इन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता था, ओके, सो इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, अभी काफी फेमस प्लेयर, मतलब वही है, एक इसका इनफैक्ट इस साल के IFT में क्वेश्चन भी आया था इस पे, ओके, तो ये निखत जरीन, आई थिंक ये करेक्ट, इसी साल IFT में आया था कि निखत जरीन किस गेम से एसोसिएटेड है, तो आंसर वाज बॉक्सिंग, ओके, शी इज अ फीमेल प्लेयर, ये फीमेल प्लेयर है, तो फीमेल बॉक्सिंग प्लेयर है, ओके, तो यार ध्यान रखना, अच्छा इंपॉइंट क्वेश्चन है, साथ में मैंने तीन चार चीजें और बता दी कि 2022 में बिर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, इसमें गोल्ड मेडल जीता था, ओके, एंड ये NMDC के ब्रांड एम्बेसडर बनी, ओके, गुड मॉर्निंग, यार नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 वुमेन सिंगल्स टाइटल, अब तो तीसरा तुम बताना चाहिए लोगों, ये बहुत न्यूज में था, ये नहीं पता है, काफी न्यूज में आ रहा था, ठीक है, मतलब ये तो इसका आंसर है एरिना सबलिंका, ठीक है, सो एरिना सबलिंका इज द विनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में सिंगल्स, तो तुम बता ना कि एक साल में, ये भी GK का क्वेश्चन है कि एक साल में चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट हमेशा होता है, और इनका ऑर्डर एग्जाम में आता है, फर्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है, फिर होता है विंबलडन, फिर होता है US ओपन, ओके, इसको इसको ना अल्फाबेटिकली याद रखते हैं, ओके, ये तुम्हारा ग्रैंड स्लैम का इवेंट है, ईयर में जैन से लेकर दिसंबर तक, इसी ऑर्डर में होता है हमेशा, ओके, तो ऑलवेज फर्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन
ट्रिलियन ओपन, पहला हमेशा साल का क्या होता है। तो इसको ऐसे याद रखते हैं, अल्फाबेटिकली लिख लो AFWU, मतलब पहले ए आता है, फिर एफ आता है, फिर यू आता है, फिर डब्ल्यू आता है, लास्ट में इनको स्वैप कर दो, मतलब ऊपर AFWU हो जाएगा, AFWU। हाँ, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन, ठीक है, ऐसे याद रखते हैं। तो पहले लिख लो अल्फाबेटिकली और लास्ट के टू को चेंज कर दो। ओके, ये तुम्हारे ईयर के चार ग्रैंड स्लैम होते हैं। ओके, तो इसको इस बार का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में हुआ था, तो किसने जीता? ये था एरिना सबलेंका ने। ओके, जस्ट लास्ट ही मंथ हुआ, जनवरी में हुआ, ठीक है, इसको याद रखना। फाइन, विच इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जिसने नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं है, नहीं है, जिसने जिसने नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, Which district is the first district to register 10,000 new SMEs, MSMEs? ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में 10,000 न्यू MSMEs आए? हाँ, हाँ, ये न्यूज में था। तो अभी तुमको मैं जस्ट बता रहा था ना कि केरला में ईयर ऑफ, तुम बता रहा था मैं कि लास्ट ईयर जो क्या था केरला में, यस इट इज केरला ओनली। तो मैं तुमको बता रहा था ना कि केरला में ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस हुआ था, ठीक है, सो केरला केरला 2022 वाज द ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस इन केरला, इन विच दे ओपेंड 1 लाख कंपनीज, ठीक है, 1 लाख इन्होंने खोला था, 1 लाख एंटरप्राइजेस ओपन, ठीक है। तो इसी के अंडर, इसी इसी प्रोग्राम में एर्नाकुलम में बहुत बूस्ट मिला और बहुत नंबर ऑफ कम एमएसएमईस ओपन किए गए, ठीक है, एंड इसका आंसर बेसिकली क्या है, तो एर्नाकुलम। ओके, एर्नाकुलम इन केरला। केरला के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। ओके, तो केरला के सीएम है पिनराई विजयन, एमएसएम मिनिस्टर नारायण राणे। ओके, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, गवर्नर जल्दी आता नहीं है, लिख लो, पटा जल्दी आता नहीं है, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, एमएस मिनिस्टर नारायण राणे। केरला कैपिटल, केरला कैपिटल, तिरुवनंतपुरम, कोची नहीं है, तिरुवनंतपुरम। ओके, इट्स ओल्ड नेम वाज त्रिवेंद्रम, तो न्यू नेम तिरुवनंतपुरम है, ओल्ड नेम वाज त्रिवेंद्रम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभा किशोर दास कल ही क्या आपके पीआई में पूछा केरला एंड टेकिंग के सेम बताओ, हेलो, तो क्लास में इतना कि रटा गया बस अपने जीडीपी वाले क्लास में भी। सो नाभा किशोर दास वाज शॉट डेड रिसेंटली, वाज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, ठीक है, तो इसका आंसर उड़ीसा है, ठीक है, इसको मतलब पता नहीं, आई डोंट नो कितना पॉइंट क्वेश्चन है, बट आएगा नहीं आएगा मुझे एग्जाम में नहीं पता, बट पता होना चाहिए तुमको। तो उड़ीसा के हेल्थ मिनिस्टर का अभी जनवरी में ही नाभा किशोर दास थे, ठीक है, इनको बेसिकली समी गोपाल कोई नाम का था, उन्होंने इसको गोली मार दी थी, ठीक है, सो शॉट डेड एट द स्पॉट ऑनली। ओके, नेक्स्ट, विच सिटी रिसेंटली होस्टेड द मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल, ठीक है, हाँ कुछ पर्सनल उसका होगा, ठीक
ओके, तो इसका आंसर बेसिकली पटियाला है। तो पटियाला होस्टेड द मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल। तो यहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री के लाइक अलग अलग रेजिमेंट होते हैं, ऐसे वो सारे रेजिमेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था लिटरेचर फेस्टिवल में। ओके, और तो पटियाला इसका आंसर है। ओके, पंजाब के सीएम क्या है? तो सीएम कौन है पंजाब के? भगवंत मान। हाउ टू क्लियर टेस्ट इन वन डे? टेस्ट कैसे क्लियर करें वन डे में? 1 मिनट में। एक कॉल आ गया था, तो एक बताना था कहाँ पे, ऑफिस नहीं आ गया। देखो तो इसका आंसर पटियाला है। पटियाला के सेम कॉल भगवंत मान है। ओके फाइन। अरे लो ऑल्टीट्यूड बसाल्ट प्लेटो इन द वेस्टर्न घाट्स हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? ठीक है, ये भी अभी काफी आपका न्यूज में था, ठीक है, कि किस स्टेट में ये मिला है तुम्हें। तो इसका बता रही, इसका बहुत ज्यादा ऐसा ऐसा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है, अब सॉरी, इसका बहुत ज्यादा ये मतलब क्या काइंड ऑफ से, ये इंडिया में इम्पोर्टेंस तो नहीं है, बट या इट्स अ काइंड ऑफ रेयर साइट की जो रेयर लो ऑल्टीट्यूड प्लेटो है। हाँ, ये कभी मिलता नहीं है ऐसा। तो एक रेयर प्लेटो मिला था, साइंटिस्ट ने निकाला था पुणे के पास, ठीक है, ये तो नियर टू पुणे, तो ये काफी न्यूज में था, तो उसको ज्यादा पता होते थे लोग कि महाराष्ट्र में था। मैं भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो वो इंडिया में बहुत कॉमन नहीं है। ओके, बसाल्ट एक तरह का रॉक होता है यार, ठीक है, बसाल्ट एक तरह का रॉक होता है। दैट रॉक इज लाइक तुम्हारा बहुत फाइन ग्रेन का एक रॉक होता है, एक तरह का रॉक का क्वालिटी है बसाल्ट। ओके, तो जो कि रेयर फाइंड है इंडिया में। गुड मॉर्निंग सर, आई ज्वाइन द सेशन टुडे फ्रॉम वेयर विल आई गेट द प्रीवियस सेशंस? ऐसे मिल जाए प्रोफाइल, जस्ट गो टू माय प्रोफाइल, गो टू स्पेशल क्लासेस, ठीक है, यू विल फाइंड ऑल द पार्ट वन, लिखा हुआ था पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव, पार्ट सिक्स, ऐसे बना हुआ पूरा सारा, ठीक है, जीके पार्ट वन, जीके पार्ट टू, ऐसे लिख जाएगा तुम। फिर इसको महाराष्ट्र से याद रखना, फाइन, यू कैन जस्ट, और इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे, ठीक है, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। ओके, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग? कहां पे हुआ है, कौन सी सिटी इन्होंने अभी होस्ट किया था, ठीक है, मॉडल समिट महाराष्ट्र में बताइए कहां पे हुआ था।
इट्स आंसर इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हुआ था फर्स्ट G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप कमेटी। ठीक है, तो बेसिकली इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी डिस्कशन किया गया था। अगेन G20 शेरपा कौन है हमारे? अमिताभ कांत। ठीक है, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव अमिताभ कांत इस G20 शेरपा। ठीक है, और अभी इंडिया का अभी जो अगला जी अभी अभी जो G20 का समिट है वो यूपी में भी होने वाला है, यूपी में भी होने वाला है। ओके, खैर आगे आएगा, बाद में क्वेश्चन आएगा फिलहाल तो। ओके, तो ये ध्यान में रखना चंडीगढ़ में। और मॉडल समिट कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में। ओके, तो फाइनेंशियल समिट चंडीगढ़ में, मॉडल समिट महाराष्ट्र में। ओके, ऑन Jan 30 इंडिया पेड होमेज टू फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ने विच डेथ एनिवर्सरी? ये 75 होगा ना। ठीक है, 1948 30 जनवरी को। ओके, इनका असासिनेशन हुआ था, तो 2023 इज 75 इयर्स फ्रॉम दिस, तो ध्यान रखना 75 इज का आंसर। ओके, थ्रेट एनालिसिस ग्रुप स्टैग मिशन इज अ पार्ट ऑफ विच टेक कंपनी? ओके बताओ इसका आंसर। देखो ये क्वेश्चन क्या है, सो इसका आंसर है गूगल। ओके, तो थ्रेट एनालिसिस टैग बेसिकली लोग क्या करते हैं कि ये ग्रुप में जैसे इन्होंने क्या किया है कि चाइना का एक दो मालवेयर है, उसका नाम है जैसे एक ड्रैगन। ठीक है, तो इस स्पैमोफ्लिश ड्रैगन करके ये है, इन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, तो दे ब्लॉक स्पैमोफ्लिश ड्रैगन। ओके, और बेसिकली ये लोग सॉरी कोई भी सीरियस थ्रेट के लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अंदर से टीएजी मिशन। ठीक है, तो इनका नाम है थ्रेट एनालिसिस ग्रुप है इनका, गूगल का बेसिकली इनका है। ओके सॉरी हो गया यार। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। चलो ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे कल। ओके, सो लेट्स मीट टुमारो फॉर द नेक्स्ट जीके सेशन। ओके, अभी मेरे को मेरे क्लास है, Cat 23 की क्लास है मेरी, सो नीड टू लीव, प्लस क्लास है अभी। ओके, तो ये सब तुम लोग रिवाइज करते रहना है। ठीक है, जस्ट रिवाइज, कीप ऑन रिवाइजिंग दिस, और जो भी आपके सेशंस हैं ठीक है, इन सारे सेशंस को एक एक बार देखते जाना। मतलब आप उसको पीडीएफ को डाउनलोड डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एंड जस्ट लुक एट ऑल दिस सेशंस वंस, तो तुमको काफी आइडिया मिल जाएगा। ओके, देखो इस अलग से ना किसी एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके ना इन्हीं के आसपास पढ़ते, जैसे जो मैं तुमको कनेक्टिंग पॉइंट बताता हूँ ना, वही तुम्हारे स्टैटिक जीके का बेसिकली एक पार्ट है। ओके, स्टैटिक जीके क्योंकि बहुत बड़ा समुद्र है। ठीक है, समंदर है वो, तुम अगर वो पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? तुम पढ़ोगे 10 10 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हिस्ट्री का पढ़ोगे, उससे तो प्रॉबिलिटी तो है नहीं। तो 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ो, और उसके आसपास के सारे स्टैटिक जीके भी पढ़ते जाओ साथ साथ। ठीक है, तो तुम्हारा इतना काम हो जाएगा, तो इतना तुम्हारा आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। स्टैटिक क्योंकि स्टैटिक जीके अंदर अगर पढ़ने जाओगे तो बहुत बढ़ जाएगा, जो जियोग्राफी, हिस्ट्री, रिवर्स, माउंटेन्स, क्या क्या पढ़ोगे स्टैटिक जीके में। ओके, तो लाइक लास्ट ईयर भी बहुत 80% तो करंट अफेयर्स था, 80% 90% इनफैक्ट करंट अफेयर्स ही आया था। ठीक है, तो हम करंट अफेयर्स अगर इतना निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। 6 to 8 months का, 6 months का करंट अफेयर्स, एंड उससे नॉट ओनली करंट अफेयर्स, उसके ऑल कनेक्टिंग पॉइंट्स, उससे ऑल कनेक्टिंग पॉइंट्स भी। ठीक है, जस्ट रीड एज मेनी एग्जाम एज एनी पॉइंट्स बिफोर टेस्टनेट। जिसके पहले जितना पॉइंट पढ़ सकते हैं पॉइंट पढ़ लो जिसके पहले। ठीक है, Just read as many points possible. क्वांट के लिए तो बहुत ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक
ठीक है, क्वांट में जस्ट फोकस ऑन मेन थिंग्स जो तुम्हारा, एक बार ऐसा कुछ क्वांट में एक दिन में कुछ नहीं कर पाओगे बहुत ज्यादा। ओके चलो, ओके गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी रात शाम में 4 बजे CAT 23 का सेशन करेंगे, ठीक है, देख लेना कुछ ऑफर चल रहा है इनविडियोसली CAT 23, तो देख लेना वो चीज। ओके शाम में लोग मिलेंगे 4 PM से, हमारी क्लास है अरिथमेटिक की, तो बट वो CAT 23 की है, ठीक है, स्पेशल क्लास, बट अरिथमेटिक को CAT 23, तो थोड़ा वो तो थोड़ा क्वेश्चन के लेवल अच्छे रहेंगे उसमें, नॉट एग्जैक्टली सीमा टेस्टनेट लेवल। ओके तो बाकी हम लोग सीख टेस्टनेट की क्लास सीमेंट के लिए कल मिलेंगे। ओके सी यू टुमारो, कल एग्जाम है, परसों मिलते हैं। ओके ठीक है, चल ये लेट हो गया है, क्लास है। ओके मैं फिर कल बात बात करता हूँ। ओके ठीक है, सीमेंट भी करेंगे।